हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं सिर्फ अभिनव चौधरी और आप देख रहे हैं टेके किसी प्रॉस चैनल। तो गाइस, जैसा कि बता दूं आप सभी को, हमारे लिए इनवाइट क्लिक प्लस में 5 जनवरी 2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट आ चुका है। तो क्या अगर आप भी अभी तक अपडेट नहीं किए हैं या क्या आपके में भी अभी अपडेट नहीं आया है, इस अपडेट के बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सारा बताऊंगा, अपडेट को इंस्टॉल करने का तरीके बताऊंगा और बताऊंगा कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या बग्स आते हैं, क्या क्या बग्स सॉल्व हो गए हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, देख सकते हैं ये रहा हमारा सिस्टम अपडेट जो कि आ चुका है हमारे अपने लेनोवो K8 Plus में। तो इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि इसमें हमें एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच जो लेवल था वह हमारा 5 जनवरी 2019 तक का अपडेट इसमें हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमें कुछ इसमें स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट भी मिलते हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको डाउनलोड करने से पहले बता दें कि अपडेट आपका 659.7 MB का आपका अपडेट आया है। तो आप अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए या अपने बोथ वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। आप हमारे इस वीडियो में दिखाए जा रहे ट्यूटोरियल को फॉलो करके अपना भी लेनोवो K8 Plus का अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अब हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब बता दूं आप सभी को, लेनोवो K8 Plus में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि कॉल रिकॉर्डर में इशू आया था और कुछ हिडन सेटिंग्स बताया हूँ मैं आपको डेवलपर ऑप्शन में, और भी बहुत सारे मैं आपको हिडन ट्रिक्स बताई हूँ आपके अपने लेनोवो K8 Plus में और उसके कैमरा में बहुत सारे हिडन ट्रिक्स। तो उसके लिए गाइज, मैं वो सारे वीडियोज़ आपको इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके आई बटन से देख लेना। और भी बता दूं आपको, हमारे चैनल पर आपको लेनोवो K8 Plus से रिलेटेड वीडियोस के अपडेट्स हमेशा टाइम पर मिलते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो घंटा जरूर बजा लीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेट्स हमारे तरफ से टाइम पर मिलते रहेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, अब हमारा ये अपडेट इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब इस अपडेट को हम फटाफट अपने लेनोवो K8 Plus में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपको 20 मिनट का अप्रॉक्स टाइम लेगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने में। तो देख सकते हैं, ये रहा हमारा लेनोवो K8 Plus। तो हमने लेनोवो K8 Plus को अब ले लिया है, देख रहे हैं। आपको बता दूं मैं, सारा अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहना, क्योंकि हम लेनोवो K8 Plus का अपडेट टाइम पर लाते रहते हैं। तो जल्दी से अपने सिस्टम अपडेट को आप इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि आपको 20 मिनट का टाइम लेगा इंस्टॉल करने वक्त। तो चलिए इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आपका फ़ोन 10 सेकेंड के लिए रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको फ़ोन रीस्टार्ट होने वाला है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट पैच इसमें चल रहा है, ये अपडेट अब स्टार्ट होना शुरू हो रहा है। देख सकते हैं 18% हो चुका है, 20%, 25%, 32%, 37, 39, देख सकते हैं बहुत फास्ट डाउनलोड हो रही है, देख सकते हैं 98%। तो जी हाँ, चलिए तो हमारा फ़ोन अब रिस्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब ये अनपैक हो रहा है, सारा फाइल्स को इंस्टॉल कर रहा है जो भी अपडेट आया था हमारे लेनोवो K8 Plus में। तो देख सकते हैं अब हमारा एंड्रॉयड स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, देख सकते हैं अब हमारा लेनोवो K8 Plus स्टार्ट हो चुका है। और भी गाइस, आपको कोई भी कहीं प्रॉब्लम है लेनोवो K8 Plus में, कोई भी सुझाव देना हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो देख सकते हैं, चलिए हमारा लेनोवो रीस्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, देख सकते हैं फिनिशिंग एंड्रॉयड अपडेट, अब एंड्रॉयड इस अपने अपडेट को फिनिश कर रहा है। तो गाइस, इस वीडियो को देखते रहेगा, क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको बताएंगे कि क्या क्या इस इंस्टॉलेशन से आपको इस के जो भी बग्स थे और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे K8 Plus में आए थे वो ठीक हो गए हैं और क्या प्रॉब्लम आ गए हैं। तो चलिए फटाफट आप अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में ले जाता हूँ, और देख सकते हैं हमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल चुका है 5 जनवरी 2019 का। तो चलिए इस पर क्लिक कर दे, तो देख सकते हैं हमारा ये अपडेट कम्प्लीट हो चुका है। अब चलिए फटाफट कुछ चेक कर लेते हैं इसके कैमरा को, कि सबमिट के बाद आखिर इस कैमरा का इशू फिक्स हुआ है या फिक्स नहीं हुआ है। तो चलिए कुछ पिक्स क्लिक कर लेते हैं इस कैमरा से। जैसे कि लेनोवो K8 Plus की जो कैमरा थी, इसमें पहले से कुछ येलोइस आता था अगर आप कोई भी फोटोज़ या पिक्चर्स खींचते थे। तो वही अब देख चेक कर रहे हैं कि क्या इसका जो येलोइस आता था, येलो इफेक्ट जो आता था कैमरा फोटो खींचने के दौरान, वो कम हो गया कि नहीं। तो जी हाँ, देख सकते हैं कैमरा में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, जो हमारा पीलापन दिखता था फोटो खींचने वक्त वो पीलापन अभी भी है।
अब चलिए इसको फटाफट आपको मैं कास्ट स्क्रीन में ले जाता हूँ। जी हाँ, लेनोवो केट प्लस में हमें देख सकते हैं कहीं भी सर्च स्क्रीन का सर्च ऑप बटन नहीं मिलता है, मतलब कास्ट स्क्रीन अभी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है हमारे इस लेनोवो केट प्लस में। तो गाइस ये रहा था आज का वीडियो, आशा है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हेलो फ्रेंड, मायसेल्फ अभिनव चौधरी एंड मायसेल्फ अभिनय चौधरी, वी आर टेकिंग किसी ब्रॉस। आई होप यू लाइक आवर टुडे वीडियो, सो सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल राइट नाउ एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन सो यू वोंट मिस दिस सिंगल वीडियो। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।